हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रजनी की ही कहानी कट द केक दोबारा से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने जाना था कि रजनी के पापा उसके लिए केक लेकर आए थे और उन्होंने उस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि रजनी, उसका भाई राजू, उसके पापा और उसकी मम्मी वो केक बराबर खा सकें। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि रजनी के पापा उसके लिए एक केक लाए थे, रजनी ने उस केक को कट करा 4 इक्वल पार्ट्स में। तो बच्चों, ये रहे वो 4 इक्वल पार्ट्स। अब अगर हम देखें तो रजनी के पास, हमने क्या देखा था कि रजनी ने जो केक है वो इक्वल पार्ट्स जो किए हैं 4, वो सबको एक एक पार्ट दे दिया। तो ये पार्ट किसका है? रजनी। रजनी के पास कितना पार्ट आया था? 1/4। राजू के पास कितना पार्ट आया? उसके पास भी आया 1/4। फादर के पास, उन दोनों के फादर के पास कितना पार्ट आया? उनके पास भी एक पार्ट आया केक का 1/4। और मदर के पास भी 1/4 शेयर आया है। लेकिन जब हमने देखा रजनी की जो मदर है, उन्होंने अपना केक का जो पीस है वो रजनी को दे दिया, तो ये जो केक का पीस है वो किसके पास आ गया? रजनी के पास। और अब मदर के पास केक नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि अब मदर के पास केक नहीं था, जो मदर का केक का पीस है वो किसके पास आ गया है? रजनी के पास। तो मदर की केक का कितना शेयर था? 1/4। और रजनी के पास पहले से कितना था? 1/4। तो अब टोटल रजनी के पास कितना शेयर हो गया है केक का? उसके पास 2 पार्ट्स हो गए हैं आउट ऑफ 4। तो उसके पास कितना आ गया है केक? 2/4। मतलब जब हम 1/4 प्लस 1/4 करते हैं, यानी कि हम 2 क्वार्टर्स को ऐड करते हैं, तो आंसर क्या होता है? 2/4, दैट इज 2 क्वार्टर्स। तो रजनी के पास कितना केक है? 2 क्वार्टर्स केक है। अब अगर मैं चाहूँ तो ये रजनी के केक को क्या मैं हाफ केक बोल सकती हूँ? क्योंकि ये देखें अगर आप, तो ये 2 पार्ट्स और ये जो हाफ है ये बिल्कुल इक्वल है। तो रजनी के पास मैं कह सकती हूँ कि रजनी के पास हाफ केक है। 2/4 को हम 1/2 भी कहते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। तो रजनी के पास हाफ केक है। अब अगर हम देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि रजनी और राजू के पास मिलाकर टोटल कितना केक हुआ? बच्चों, रजनी के पास है हाफ केक, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2/4, और राजू के पास कितना है? 1/4। अगर मैं पूछूं कि रजनी और राजू का केक मिलाकर, यानी कि रजनी और राजू का जो शेयर है केक का, रजनी शेयर प्लस राजू शेयर, अगर मुझे निकालना है कि इन दोनों का शेयर मिलाकर कितना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? रजनी का शेयर है 2/4, राजू का शेयर है 1/4। तो अब अगर हम देखें तो ये तीनों का जब हम शेयर मिला रहे हैं तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4। तो इन दोनों के पास कितना, इन दोनों का शेयर मिलाकर कितना शेयर हुआ? 3/4, दैट इज 3 क्वार्टर्स। तो बच्चों, हमने समझा कि 2/4 ये जो शेयर है, और 1/4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है? 3/4, दैट इज 3 क्वार्टर्स। अगर मैं इस 2/4 को रिप्लेस कर देती हूँ हाफ से, तो क्या मतलब हुआ हाफ? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 क्वार्टर, दैट इज 1/4। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका भी आंसर 3/4 ही होगा, क्योंकि
टू बाई फोर किसके इक्वल है? हाफ के इक्वल है. तो जब हम वन हाफ एंड वन क्वार्टर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है? थ्री क्वार्टर्स ही आता है. तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने देखा था कि ये रजनी का जो शेयर है दैट इज हाफ या फिर टू बाय फोर, और राजू का जो शेयर है जो कितना है? वन बाय फोर. अगर हम इन दोनों का जब ऐड किया था तो क्या आंसर आया था? इन दोनों का मिलाकर कितना है? थ्री बाय फोर. अब अगर हम इसी में उनके फादर का शेयर जो कितना है, फादर का शेयर कितना था? फादर का शेयर है वन बाय फोर. तो जब हम इन दोनों के शेयर के साथ फादर का शेयर भी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? आप देखिए इस फिगर को देख कर के हम कह सकते हैं कि जब हमने इन तीनों का शेयर मिला दिया तो हमारे पास एक पूरा केक आ गया. दैट मीन्स होल केक. फोर बाय फोर यानी कि चारों पीसेस की बात हो रही है. फोर बाय फोर जिसे हम क्या लिख सकते हैं? वन, क्योंकि पूरा केक बन गया. विच ऑल्सो मीन्स अ होल. सो वेन वी एड थ्री बाय फोर एंड वन बाय फोर वी गेट फोर बाय फोर विच इज इक्वल्स टू अ होल. चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास केक के ये जो टू हाफ्स हैं और हम इन दोनों हाफ्स को ऐड करें, दैट इज वन बाय टू इज वन हाफ, और ये वाला हाफ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टू बाय टू. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक पूरा केक बन जाएगा. टू बाय टू दैट इज वन. यू विल गेट अ होल केक. तो जब हम टू हाफ्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? अ होल वन. तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि जब हम टू हाफ्स को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? टू बाय टू, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? वन. व्हेन वी ऐड टू हाफ्स वी गेट अ होल. हमने आज और क्या सीखा? व्हेन वी ऐड टू क्वार्टर्स, जब हम टू क्वार्टर्स को ऐड कर रहे हैं तब क्या आंसर आता है? ऐड करके टू पार्ट्स है, सो टू बाय फोर विच इज ऑल्सो वन बाय टू. इसे हम हाफ भी कह सकते हैं क्योंकि क्या आंसर आ रहा है हमारा जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं? हाफ. हमने आज और ये सीखा कि जब हम हाफ और एक क्वार्टर को ऐड करते हैं, अ हाफ एंड अ क्वार्टर, तब हमारे पास क्या आता है? थ्री क्वार्टर्स यानी कि थ्री बाय फोर. बिकॉज व्हेन वी ऐड इट तो हमारे पास इतना शेयर आता है. आज हमने ये भी सीखा कि जब हम थ्री क्वार्टर्स और वन क्वार्टर को ऐड करते हैं, यानी कि जब हम ऐड कर रहे हैं थ्री क्वार्टर एंड अनदर क्वार्टर, तो इसको ऐड करके क्या आएगा? पूरा होल मिलेगा हमें, विच इज इक्वल्स टू फोर बाय फोर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन. तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी. हम इस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं. तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड कर रहे हैं.